कटिया हो गई। मेरे भाई आए हैं, भाई को ट्रीटमेंट कराने हम आए हैं। पता चला कि मुखिया के द्वारा दरवाजे पर चढ़ के इनको घसीट घसीट के मारा गया, वो हमको भी ढूंढ रहे थे। क्या कारण? क्या कारण? तो कुछ नहीं है सर। सुबह में भी मारपीट आपके गांव में हुआ? हाँ, सुबह में इन लोगों का अपना जमीन के लेकर मारपीट हुई है, उसके प्रतिशोध में लोग ये सब किए हुए हैं। किसके साथ में मारपीट हुई थी? वीरेंद्र पाल। अच्छा, गौरीपाल के लड़के हैं सब। अच्छा, आपके भाई के साथ क्यों हुआ? अभी तो जांच का विषय है, मुखिया जी बताएंगे, थाना बताएगी। हाँ, आपके भाई का कहाँ चोट लगा है? हाथ में चोट लगा है, फ्रैक्चर हुआ है। हाँ, जनप्रतिनिधि लोग ऐसे कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी पार्टी के नेता है, हम जदयू के अभी युवा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है। मुखिया जी दबंगई अपना कर रहे हैं, इस अवस्था में थाने पर लोग FIR करने गए हैं, वहाँ पे भी पीछा करके गए हैं दौड़ते हुए कि पकड़ के मारेंगे। इसका भाई वहाँ पे अस्पताल परिसर में मारपीट हुआ है। यहाँ पे शायद जो कोई गांव का सचिकांत पाल है, उसको घसीट के ले जाकर उधर साइड में मारे हैं, दवा भी नहीं करने दिए हैं। वो लोग यहाँ भी पहुँच जाते हैं? यहाँ भी पहुँचे थे। जनप्रतिनिधि और इस तरह व्यवहार, क्या कानून का राज नहीं है यहाँ? बिल्कुल कानून का राज है, पता नहीं प्रशासन क्या क्या रवैया है। प्रशासन पे उम्मीद है कि नहीं? बिल्कुल न्याय तो है, न्याय पर भरोसा है, न्याय न्याय को मानने वाले हैं हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध तिवारी हुआ, ओड़ी। मुखिया जी अपना भाई चाचा का लड़का ले। मुखिया जी कहाँ के मुखिया? ओड़ी मुखिया जी, हरपुर जलवासी पंचायत के। क्या नाम? बीटी शुक्ला। हमका क्या किए? वो नाली खुनवावत रहन, वहाँ हमार जमीन रहे, तो हम उनका कहने कि पंडित जी यहाँ रहे दिन न पवा ले हल जाई, तब एक खुनवावल जाए तो कहते ना हमारा के मजूर के पैसा के दे, हम कहने कि हम खोनब जाता ना, तो छोड़ जाए तो हम खोन तो बाकी जी को काम रहे। आपके निजी जमीन में बना रहे? हाँ। अच्छा, क्या हुआ उसके बाद? अब उसके बाद का, अब हमारा उनका थी वो खत बता बती तले, वो हमारे जेकर जमीन हमारा हथौसले बन, वो पार्टी उनका के फोन करके उनका हमारे छोटे छोटे लड़कन के मारे लगल हो गया। अच्छा, मारे लगल हो तो हम देखने तो हम बिना डंटे के बने, हम बड़कावा तनी तब हमारों पर डंटा छोड़ दिल जा, डंटे के दिन हटे हमारा ये डंटा रही तो हम हाथा ना मारे गए। अच्छा, तो कौन मारने वाले में कौन कौन लोग हैं? अब उनके भाई अब कहते बने कि चार घर बन जा, चारों घर मर जाना है। कितने लोग थे करीब? अब कितना लोग हम का कहीं 20-30 आदमी से ऊपर होके जा चाहे इतना होके। किसको किसको चोट लगी? हमारा मम्मी को लगा है, हमारा पापा को लगा है, मेरे को लगा है, मेरे चचेरे भाई को लगा है। सभी लोग आए थे सदर अस्पताल? हाँ। अस्पताल आए तो क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे आए थे, हमारा मम्मी के सिर पे एक सारा हुआ है, हमारे के कप सिर के सीटी रेज कराने के लिए बोले कि मशीन खराब है, कॉल आना दोपहर के बाद। उस वक्त क्या हुआ था अस्पताल में? फिर मारपीट हुई न? हाँ, हमारे साथ एक आदमी जो लेके आई रहा लटू, तो हमने के हे गेट से आओ तनी जाओ, हे गेट से आओ तो उन्हीं उनका के घेर। कौन लोग आए थे? वो बीटू शुक्ला के भाई और बीटू शुक्ला के चाचा का लड़का बीटू शुक्ला भी था। अस्पताल में भी जाके मारपीट? हाँ, अस्पताल के गेट पे हमारे साथ
सोसी का पाल आए थे अब उनको उन्हीं गुड्डू सुगुल का लड़का है गोलू की क्या नाम है उसका वही पकड़ के उसको ले गया कितना मारा कितना नहीं हम तो यहाँ पे थे। आपके भाई को भी मारने के लिए खोज रहे हैं आप बता रहे थे भाई कहाँ है? हमारा भाई के थाना पे से हम अपने वो दे के आ रहे थे तो हमारे भाई के पकड़ लिए अब गाली बोकुल बकने लगे तो भाई हमारा अंधेरे में हो गया गाँव में पता ना घर पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा भी मुझे पता नहीं। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गए तो वो क्या बोलते हैं अपने क्या आते समय थाने पे गए तो वहाँ भी कुछ हुआ था? थाने पे से अब घर आ रहे थे जब हमारे भाई को पकड़ लिया था पकड़ के उसको गाली गुप्ता करने लगा तब तक हमारा भाई भाग गया अब कहाँ घर में गया कहाँ गया ये पता नहीं है अभी। कुल कितने लोगों को चोट लगी है?